नमस्कार, मैं फ्यूचर गुरु गणेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं श्री गणेश जी की पूजा करने के पश्चात आपको किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं। मैं ऐसे कुछ पांच उपाय आपको बताऊंगा जो गणपति पूजा में करने से आपको विशेष लाभ हो सकता है। सबसे पहले, आप हमारे चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारे बहुत ही अच्छे वीडियोस जो होंगे उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी नॉलेज गेन हो सकती है। और जरूर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्र परिवार को जरूर शेयर करिएगा। तो आइए जानते श्री गणेश जी को कौन से ऐसे पांच उपाय करने से लाभ होगा, आपके कष्ट दूर होंगे। तो सबसे पहला उपाय ध्यान रखिएगा, गणेश जी को सबसे प्रिय दुर्वा मानी जाती है, तो 21 दुर्वाओं का यदि आप उनको जोड़ी बनाकर चढ़ा देते हो तो श्री गणेश जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। शास्त्र का नियम कहा गया था कि एक बार श्री गणेश जी ने किसी राक्षस को पूर्ण रूप से निगल लिया था, अब उसके पश्चात उनके शरीर में तापमान बढ़ने के बाद जब उन्होंने दुर्वा ग्रास खाई थी, उसके पश्चात उनके शरीर की जो पीड़ा थी वो कम हो गई थी। तभी से जो भी व्यक्ति श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाता है उससे आपके यदि ऊपर कोई पीड़ा होगी वो जरूर दूर होती है। आइए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। श्री गणेश जी को लड्डू बहुत ही पसंद होते हैं, मोदक बहुत ही पसंद होते हैं। इसके लिए जब भी आप गणेश जी का दर्शन करते हो उनको 21 लड्डुओं का या 21 मोदक का नैवेद्य जरूर चढ़ाइएगा, जिससे गणेश जी जरूर खुश होंगे और आपकी जो मनवांछित इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, वो जरूर पूरी होगी। आइए जानते हैं तीसरा नियम। तीसरे नियम में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि गणेश जी को गणेश चालीसा पढ़कर जरूर सुनाएं, या आप अपने मन में उनकी जो भी ओम गं गणपते नमः, इसको 108 बार भी बोलते हैं तो भी आप अपने मन में उसको बोलिएगा, निश्चिंत गणेश जी आपके ऊपर अपनी कृपा बना सकते हैं। महाराष्ट्र में अथर्वशीर्ष का पठन बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप अथर्वशीर्ष का पठन जानते होंगे, यदि उसके मंत्र जानते होंगे, तो निश्चिंत वह मंत्र करने से आपके कार्य सिद्ध होंगे। आइए जानते हैं चौथा उपाय। चौथे उपाय में मैं विशेषकर बताऊंगा, श्री गणेश जी ये चाहते हैं कि जब भी गणेश जी आपके घर पे आते हैं ना, तो लोगों का आगमन हो। कभी भी आपके पास जो भी आपके गेस्ट आते हैं, परिवारजन आते हैं, उनको अच्छे से खान पान जरूर करा दीजिएगा। उनको खान पान करने से, उनकी सेवा करने से गणेश जी बहुत ही खुश होते हैं। इसके लिए आपके पास जो भी मेहमान गणेश जी के दिनों में आता है उनको भूखे पेट मत भेजिएगा, प्रसाद के रूप में, अन्य धान्य के रूप में उनको यदि कुछ अच्छे से खाना बनाकर खिला सको तो गणेश जी जरूर प्रसन्न होते हैं। और पांचवा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, गणेश जी के साथ में देखा होगा रिद्धि और सिद्धि भी आती है। श्री गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के सहित उनकी पूजा करें। सदैव उनकी पूजा करते समय रिद्धि सिद्धि के नाम से भी आप सुपारी रख सकते हो, या रिद्धि सिद्धि के नाम से यदि उनकी छोटी सी मूर्तियां उनके आजू बाजू रखी जाए तो आपके जो भी मन में कार्य है वो सिद्ध हो जाते हैं। गणेश जी की दो पत्नियां रिद्धि सिद्धि उनके लिए बहुत ही प्रिय मानी जाती है। गणेश जी को विशेषकर गुड़हल का जो फूल होता है, जिसको हम जासवंद का फूल भी कहते हैं, वो चढ़ाने से बहुत ही खुशी मिलती है। देखिए, हम उन्हें जो पसंद है वो उन्हें देंगे तो वह आपको निश्चिंत आपको जो पसंद होगा ना वो जरूर देंगे। इसके लिए पूर्ण श्रद्धा के साथ यह पूजा करें, और जो मैंने आपको पांच उपाय बताए हैं उनको करने से आपके जो भी विघ्न है वो दूर हो जाएंगे। गणेश जी निश्चिंत ही आपके सब कार्य को सिद्ध कर देंगे। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा होगा तो परिवारजनों को जरूर शेयर करें, जिससे हमें खुशी होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाए। आप सभी को गणेश जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।